जेई में 2019 में एक क्वेश्चन है एरोमेटिक चैप्टर का कि पॉली सब्स्टिट्यूशन इज ए मेजर ड्रॉबैक इन, चार रिएक्शन के नाम है, रिमर टीमन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और असाइलेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये असाइलेशन ऑफ एनिलीन जो है ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नहीं, ये तो एस एन टू टी एच रिएक्शन है, एस एन टू टी एच टाइप की रिएक्शन है, लेकिन ये तीनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिमर टीमन क्या होती है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ऑप्शन ए में जो आर टी रिमर टीमन रिएक्शन है वो क्या है कि आप फिनॉल के ऊपर अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हो के ओ एच की प्रेजेंस में तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, सैलिसिल एल्डिहाइड ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाता है, इसका पैरा प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन वो माइनर होता है। अब इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस नहीं, दोबारा इस पर रिएक्शन नहीं होएगी। ठीक है ना, अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाते हो, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन जो ऑप्शन बी में है, तो फ्रिडल क्राफ्ट चार्ल्स फ्रिडल और जेम्स क्राफ्ट, इनमें से जो जेम्स क्राफ्ट है वो अमेरिकन है और चार्ल्स फ्रिडल जो है वो जर्मन है, इन दोनों ने मिलके 1960s में ये पहली बार ये प्रपोज किया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे हम कार्बन का ग्रुप ले आए। और आप देखें कि ये अभी तक का इतना लेटेस्ट है, मतलब इनकी जो ये डिस्कवरी है, इनकी जो रिसर्च है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज हम कई सालों के बाद, लगभग 60 years पहले इन्होंने ये किया था और 60 साल के बाद भी हमारे पास इससे बेहतर मेथड नहीं है बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन ग्रुप चिपकाने का। ठीक है ना, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या है, मान लीजिए आपने ले लिया RCOCl और AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है ना, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया तो ये AlCl3Cl- को निकाल लेता है और यहां प्लस बन जाता है और ये प्लस रिंग पर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये बन गया COR, ये है एसाइल बेंजीन, दिस इज एसाइल बेंजीन। अच्छा, अब ये जो एसाइल बेंजीन बना है इसमें जो एसाइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने का मतलब ये है कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। अब इस पे फर्दर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं हो सकता है, यानी फिर से अब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है इसके ऊपर, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं जरा, ऑप्शन सी है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है ना, अल्काइलेशन ये क्या है भाई, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप कोई आर सी एल ले लें या आर एक्स ले लें और साथ में वही AlCl3 एनहाइड्रस ले लें, एनहाइड्रस कंडीशन में AlCl3 ले लें। ठीक है ना, तो ये AlCl3 क्या करता है, Cl- को अपने साथ मिला के आर प्लस बना देता है और ये आर प्लस या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और इस तरह से हमें मिलता है आर बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। इस अल्काइल बेंजीन पर वापस से ये रिएक्शन हो सकती है, तो पता लगा ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल डाई अल्काइल बेंजीन मिल जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है क्या, इस तरह से मिल जाए और इस बार फिर से रिएक्शन हो सकती है, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम इसी रिएक्शन में है, पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम इसी रिएक्शन में है। ठीक है ना, दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दैट इट कैन बी पॉली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पॉली अल्काइल बेंजीन कैन बी फॉर्म्ड। तो उसका उसको रोकने का, उसको मिनिमाइज करने का तरीका ये होता है कि आप RCl को कम अमाउंट में लें, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करें, वरना पॉली अल्काइलेशन को आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है ना, हमारा आंसर तो सी हो चुका है, लेकिन डी में भी देख लो, एनिलीन लिया मान लीजिए आपने और इसका आप एसाइलेशन करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया RCOCl, तो एनिलीन एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। ये देखो ये रिएक्शन रिंग पर नहीं हो रही है, ठीक है ना, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2TH। बाकी सारी रिएक्शन कैसी है, बाकी सारी रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रो EASR इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EASR इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EASR, ये सारी रिएक्शन EASR है, लेकिन ये जो है वो EASR नहीं है, इसमें एनिलीन न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और इस प्रकार ये
NHCOR मनवाता है, ठीक है. दिस इज एसाइलेशन ऑफ एनिलीन. तो हमारा आंसर क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है सी, क्योंकि पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में ही आती है. इसको जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. नोट करें.